कोरोना काल की फीस जमा नहीं करने पर बच्चों पर गिरी गाज। धनबाद डीएवी स्कूल ने कई बच्चों को रिजल्ट देने से किया इनकार। नाराज अभिभावकों का हल्ला बोल। कोरोना काल के दौरान प्राइवेट स्कूल फीस नहीं लेने के सरकार के आदेश के बावजूद भी धनबाद में स्कूलों की मनमानी देखी जा रही है। दो वर्ष कोविड के दौरान स्कूल फीस जमा नहीं करने वाले वैसे छात्र छात्राओं को डीएवी स्कूल प्रबंधक ने रिजल्ट देने से इनकार कर दिया। स्कूल प्रबंधन ने कहा, जब तक फीस जमा नहीं किया जाएगा तब तक बच्चों को रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। स्कूल की इस मनमानी के बाद अभिभावकों ने कोयला नगर डीएवी स्कूल में जमकर हंगामा किया और स्कूल प्रबंधक पर मनमानी का आरोप लगाया। अभिभावकों का आरोप है कि एक प्रत्येक छात्र पर स्कूल का 20,000 से ज्यादा का फीस बकाया है, जिसे स्कूल एक मुश्त देने के दबाव बना रहा है। लोगों ने किश्तों में पैसा चुकाने का फरियाद किया, जिसे स्कूल प्रबंधन ने नकार दिया। स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के इस जंग का खामियाजा छात्र भुगत रहे हैं। रिजल्ट नहीं मिलने की वजह से उनका भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। 50% फी अभी दीजिए, 50% फी का आप लोग ये एप्लीकेशन साइन करके दे दीजिए हम लोगों को, और उसको आप लोग 15 दिन या 20 दिन में दीजिए। तो हम लोग पॉसिबल नहीं है, 20,000 लोग प्राइवेट जॉब है। वहाँ ऑफिस में भी बोला जा रहा है, यहाँ पे जूनियर प्रिंसिपल है वो भी बोल रहे हैं यही चीज। तो हम लोग 20,000 रुपया पर बच्चे का 20,000 रुपया कहाँ से पे करें? हमारे दो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो 40,000 रुपया एक साथ कैसे पे करें? जिसकी सैलरी प्राइवेट है 60,000 जिसकी सैलरी है, वो सारे पैसे अगर स्कूल में दे दे तो घर कैसे चलेगा, ये बताइए। पेमेंट नहीं करते तो क्या बोल रहे हैं वो लोग? रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। और प्लस ये बोला जा रहा है कि आगे जाके बच्चों पर प्रभाव पड़ सकता है। बोला गया है ना ये चीज बोला गया है कि आगे जाकर बच्चों पर प्रभाव पड़ सकता है। बोला गया है कि सारे पेरेंट्स बोलिए, बताइए। प्रमोशन नहीं, जितना भी मेजरमेंट है ये बोल रहे हैं कि जो कोविड का समय का फीस था, फीस नहीं उसको आप पेनल्टी बोल सकते हैं, जबरदस्ती का फीस बोल सकते हैं। हम लोग सारे पेरेंट्स 2000 मार्च तक का फीस पेमेंट कर चुके हैं, जितने भी यहाँ पेरेंट्स हैं सभी का ट्यूशन फीस 2 मार्च 2023 का सभी का जमा है। उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि जो कोविड टाइम का पेमेंट है वो क्लियर करें, और इसके पहले ये कम्युनिकेशन एक बार भी ना मैसेज ना मेल ना फोन किसी भी माध्यम से नहीं किया गया था कि ये देना पड़ेगा। आज बच्चे को स्कूल में सामने लेके आया रिजल्ट लेने के लिए, तो बच्चे के सामने बोला जा रहा है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपका 17,000 रुपये एक बच्चे का बाकी है। जब हम लोगों ने कहा कि हमारा फी क्लियर है 2000 मार्च 2023 तक, तो वो लोग बात करते हैं आप लोग को नियम नहीं है, मालूम है बच्चे पे खराब इफेक्ट पड़ेगा। भैया जब आपके सामने आप बोल रहे हैं, स्कूल बोल रहा है कुछ बताया हाँ कि आपको साथ प्रमोट नहीं करे बच्चे को, आपके बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, ऐसा थ्रेटनिंग है। जबकि ये मामला कोर्ट में है, और कोविड टाइम में श्रीवास्तव सर का ये स्टेटमेंट था कि केवल ट्यूशन फी के अलावा कुछ पेमेंट ना करें कोविड टाइम का, बाकी कुछ नहीं पेमेंट करना है। बट अचानक से आज रिजल्ट के दिन ये बोला जा रहा है कि सब देना होगा। जयप्रकाश सिंह, कोरोना काल का जो री एडमिशन एनुअल चार्ज है वो पैसा को मांगा जा रहा है, जो कि हमारा पैसा मार्च 2023 तक कंप्लीट है, फिर भी ट्यूशन फी कंप्लीट है और सिर्फ ड्यू है री एडमिशन कोरोना काल का, उसमें रिजल्ट मेरा रोक दिया गया है। कोरोना काल का तो प्रिंसिपल बोला गया था। नहीं, प्रिंसिपल किसी बात नहीं सुना जा रहा है, किसी तरह कोई बात नहीं सुना जा रहा है। डायरेक्ट बोला जा रहा है कि आप लोग ज्यादा फी जमा नहीं कीजिएगा तो आपका बच्चा का प्रमोट नहीं किया जाएगा फोर में, इस तरह का धमकी दिया जा रहा है स्कूल, और रिजल्ट पूरी तरह रोक दिया है। एरियर भी जोड़ा गया है उसमें, हाँ एक कोरोना पीरियड का 21-22। हाँ, सरकार तरफ से आदेश आया था 1006 जो पत्रांक संख्या थी उसमें मतलब कोरोना पीरियड का जो एनुअल फी है उसे माफ करने का बोला गया था, लेकिन स्कूल किसी तरह का बात नहीं मानता। स्कूल में बोला जा रहा है, एक सौरभ मुखर्जी है शायद, वो बोल रहे हैं कि ना हम सरकार को मानते हैं ना कोर्ट को मानते हैं। सुदीप मुखर्जी हम लोग इसके लिए अब पेरेंट्स हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय कुमार महतो। जॉय विवाह भवन, हमारे यहाँ शादी पार्टी बर्थडे पार्टी सारा इवेंट मैनेजमेंट का काम सस्ते कीमतों पर किया जाता है। हमारा पता है दादा मार्केट ए ब्लॉक भूली बस्ती नियर हाटकोक भट्टा। मोबाइल नंबर 8420230376 और व्हाट्सएप नंबर 9297।
11334. SBS Public School Coaching Center, CBSE and Jack Board, Nursery to 5th and 6th to 12th. Hurry up, admission open. Easy learning, fun activities, daycare provided and more. हमारा पता, भूली बस्ती रोड, पोस्ट भूली, धनबाद. मोबाइल नंबर 9304885174 और 8340276100.